आपकी गाड़ी में चुरा ले जाऊं। 50,000 भेजो तुम। अपना अपनी गाड़ी चल दे रही। थाना पे बुला के जबरदस्ती मेरी CML लाइन बंद किए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी मेरे को मिले और इनके ऊपर ज्यादा से बड़ी कार्यवाही हो। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। एक बार हम फिर एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हैं जिसे आप देखकर फिर कहने को मजबूर हो जाएंगे कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो किस पर विश्वास करें। दरअसल ताजा मामला सतना जिले के अमरपाटन थाने क्षेत्र का है, जहां के थाना प्रभारी का पीड़ित से 50,000 मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। थाना प्रभारी के द्वारा उक्त पैसे पीड़ित से उसकी चोरी हुई बुलेट वापस दिलाने के बदले में मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, जब पीड़ित ने अपनी पत्नी के खाते से 50,000 ट्रांसफर करने को कहा तो थाना प्रभारी ने नगद पैसा लेने की बात कही। और जैसे ही जानकारी हुई कि उनकी काली करतूत कैमरे में कैद हुई है तो पीड़ित को धक्का मारते हुए भगा दिया और बरामद की गई बुलेट गाड़ी भी लापता हो गई। पूरे मामले की शिकायत पीड़ित ने 181 से लेकर पुलिस महानिरीक्षक तक की, लेकिन सब पर थाना प्रभारी भारी साबित हो रहे हैं। पीड़ित अतुल कुमार पटेल निवासी धतुआ थाना ताला का रहने वाला है, जिसकी बुलेट क्रमांक MP19 MS 6832 उसकी बहन के ससुराल मझगवा से चोरी हो गई थी। पीड़ित बुलेट की तलाश की लेकिन कहीं सुराग नहीं लगा, जिसके बाद अमरपाटन थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान वह अपने स्तर से गाड़ी की तलाश भी करता रहा। करीब एक वर्ष बाद उक्त गाड़ी सौरभ पटेल निवासी धतुआ के पास होने की जानकारी मिली, जिसकी जानकारी पीड़ित ने अमरपाटन थाना पहुंच कर दी, लेकिन अमरपाटन पुलिस ने ना तो FIR दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा और ना ही आरोपी को गिरफ्तार करना। जिस तरह से अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ समय बाद पुलिस ने आरोपी का नंबर लेकर उसे थाने बुलाया और उससे उक्त बुलेट गाड़ी जब्त कर ली। गाड़ी बरामद होने की जानकारी जैसे ही अतुल पटेल को हुई तो वह थाना पहुंचा तो थाना प्रभारी ने 50,000 की रिश्वत की मांग कर डाली। थाना प्रभारी ने कहा पहले 50,000 दो, फिर गाड़ी ले जाओ। पीड़ित ने जब कहा कि उसके पास नगद नहीं है, उसकी पत्नी के खाते में है, वह ट्रांसफर करवा देगा और फिर क्या गारंटी है कि 50,000 देने के बाद भी उसकी चोरी हुई गाड़ी उसे मिल जाएगी, तो थाना प्रभारी अमरपाटन संदीप भारती ने गारंटी लेते हुए यह भी कह दिया कि वह चाहे तो उनकी गाड़ी अपने कब्जे में ले सकता है। थाना प्रभारी संदीप भारती का इस तरह से कहना स्पष्ट करता है कि बुलेट चोर से इनकी सांठ गांठ है। अगर ऐसा ना होता तो थाना प्रभारी FIR दर्ज कर सीधे आरोपी को गिरफ्तार करते और जब्त की गई गाड़ी न्यायालय में पेश करते, लेकिन सौदा तय ना होने के बाद उक्त बुलेट थाने से लापता हो गई। अब पीड़ित संभाग के अधिकारियों से लेकर 181 तक शिकायत की, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि अमरपाटन पुलिस के द्वारा शिकायतकर्ता से जबरदस्ती मामलों में फंसाने की धमकी खाते हुए CM हेल्पलाइन की शिकायत को बंद कराया जा रहा है। पहले आपको दिखाते हैं थाना प्रभारी के द्वारा किस तरह से 50,000 की मांग की जा रही है, फिर सुनाएंगे पीड़ित और थाना प्रभारी के बीच हुई चर्चा, जिसे सुनकर आप भी अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह से पुलिस विभाग पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। गाड़ी मंगा ले, गाड़ी मिल जाएगी ना। हम बोल रहे हैं गाड़ी खड़ी हो जाए तो ना जान थाने में तो रही पैसा पचास हम दे रहे हैं 50,000। अपना का दिखा दिए ना कि नहीं दिखा दिए? अरे दिखा तो तुम दिए हो, लेकिन तुम्हारे मेहरिया खत्म तुम्हारे मोह तो आ रहे जाइए मेहरिया हम आया है। गाड़ी की बता दे, अब गाड़ी आगे खड़ी हुई है, वो कहना है कि पैसा हम भेजा जब जब गाड़ी खड़ी रही तुम्हें दिखा गया हमें फोटो भेजा। 50,000 खा ले ही खाता डाल दे। 50,000 खा ले ही खाता डाल दे। ना खा ले साहब, तो कहा मामू मामू आए तो कह खा गाड़ी दे गाड़ी भर ला दे उसका नंबर नया वाला नहीं है हमारे पास। कोई काम करेंगे मंगवा लें मामू ने भैया ना मानी कुछ हम गाड़ी खड़ी हो जाए ईमानदारी सब दे दे झूठ वाला काम नहीं है।
सुना आपने, जो अमरपाटन थाना के अंदर थाना प्रभारी की कुर्सी में दिख रहे हैं वह है अमरपाटन थाना के थाना प्रभारी संदीप भारती, जो खुलेआम पूर्ण रूप से 50,000 की डिमांड कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि ऐसा आइडियो जिसे एक सौदा होने के बाद जब पीड़ित को धक्के मारकर थाने से भगाया गया तो उसने फोन कर थाना प्रभारी से बात की, जिसमें थाना प्रभारी के द्वारा कहा जा रहा है कि शासन ने जो उन्हें अधिकार दिए हैं वह उनका उपयोग कर रहे हैं। हालांकि यह तो वरिष्ठ अधिकारी जाने कि अमरपाटन थाना प्रभारी को उनके द्वारा किस तरह के अधिकार और कितनी छूट दी गई है। लगाई थे फोन की था कि गाड़ी अपना बुलाना, हम ही धक्का मुक्की करन, ना हमें हमारे ही गाड़ी किसको धक्का मुक्की, हम ही करन अपना। मैं क्या करूँगा तुम्हें धक्का मुक्की नहीं करन, मेरा तुम्हारा क्या है। गाड़ी थाना तक आई, हमारे नाम ही गाड़ी, हम ही कह नहीं देवान। कौन थाने में आई, कौन थाने में आई, कौन थाने में आई? मैं किसी को दिलाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मंगाने वाला। हमारे पास फोटो ही वीडियो है, सब कुछ है। ठीक है, जहाँ ले जाना है ले जाइए, दिखाइए। हम ऊपर तक जाई थे, फिर हम जहाँ जाना है, जहाँ जाना है गाड़ी हमारा दे बाब। गुंडागर्दी कर अब, जहाँ गुंडागर्दी कर रहे ना। क्या कर रहा हूँ मैं? गुंडागर्दी न हो चल रही ही थाना में। मैं क्या कर रहा हूँ? गुंडागर्दी मैं क्यों करूँ गुंडागर्दी? गाड़ी थाना तक आई, शासन ने हमें, मैं नौकरी किया हूँ तो शासन ने हमें जो अधिकार दिए उनका प्रयोग करता हूँ, मैं अनावश्यक काम नहीं करता। अच्छा ये बताइए, मेरे नाम गाड़ी थी बुलेट, आई दरवाजे तक, आप उसको सुपुर्द क्यों नहीं किए? किसकी गाड़ी, कैसी? मेरी गाड़ी, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। बुलेट मेरे नाम रजिस्ट्रेशन है, आपकी गाड़ी मैं चुरा ले जाऊँ, आपकी गाड़ी ले जाऊँ अपने घर में रख लूँ? ले जाओ, आपके नाम है तो मैं क्यों ले जाऊंगा? ले जाओ, दूसरा क्यों रखा? कह रहे हो तो ले जाओ। तो मेरी गाड़ी काहे थाने से चली गई, फिर दोबारा क्यों चली गई? जिसने चुरा। सुना आपने, चोरी और सीना चोरी। 1.5 लाख रुपए से अधिक की कीमत की बुलेट के लिए आरोपी जब चोर और पुलिस से समझौता कर 50,000 देने की बात करता है तो थाना प्रभारी के द्वारा कहा जाता है कि वह अपनी सरकारी गाड़ी देने के लिए तैयार हैं और गारंटी लेते हैं, लेकिन जब पीड़ित पैसा नहीं दे पाया, खाते से पैसा देने की बात कही तो थाना प्रभारी के कैसे बोल बदल गए और जो गाड़ी थाना में खड़ी थी जिसकी फोटो वीडियो थाना प्रभारी के देखी जा रही है वह लापता हो गई। आइए अब आपको सुनाते हैं रीवा पहुंचे पीड़ित अतुल पटेल ने किस तरह के आरोप लगाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि अमरपाटन थाने के लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कराई जाए तो पूरा मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पटेल कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम धतुआ पोस्ट हिरगांव जिला सत्र। क्या घटना घटी, अभी किस तरह से आपकी बुलेट चोरी हुई, फिर शिकायत की और पुलिस पैसा मांगती रही, जब पैसा नहीं दिया तो गाड़ी गोल हो गई, क्या मामला बताइए? मामला है मेरी गाड़ी 3/6/2021 को चोरी हुई थी, जिसे मैं 1 साल से भटक रहा था और पता लगा कि यहाँ गाड़ी है सौरभ पटेल के पास, तो फिर TI साहब ने गाड़ी मंगवाया थाने तक, उसकी मेरे पास फ़ोटो वीडियो सब है और 50,000 की मांग की। जब 50,000 नहीं दिए तो फिर गाड़ी फिर लापता कर दिए, या उसी को दे दिए या फिर बेच दिए, ये मेरे को अभी जानकारी नहीं है। गाड़ी मेरे को नहीं मिली, रजिस्ट्रेशन और गाड़ी मेरे नाम पे है सब। गाड़ी जब चोर के पास थी बरामद हुई है, आपको जानकारी हुई तो आप उससे मिले थे फिर क्या, कि गाड़ी हमारी चोरी की कहाँ से आई, क्यों आई? उससे नहीं मिला, मैं TI साहब से मिला तो TI साहब बोले कि 50,000 रुपये दो, गाड़ी मैं बुलाए दे रहा हूँ। तो मैं बोला ठीक हो गया, मंगवा दीजिए गाड़ी। और कैश ले रहे थे, कैश मेरे पास था नहीं, फ़ोन में था तो फ़ोन में नहीं लिए। गाड़ी थाने तक आई है और मेरे पास फ़ोटो वोटो सब है, वीडियो भी है जो बातचीत हुई है। इसके बाद फिर मेरे को धक्का मुक्की करके बाहर भगा दिए, जब पैसा नहीं दिया तो गाड़ी भी लापता कर दिए। तो चोर था जिसके पास गाड़ी मिली थी, क्या सरहंग है, दादा टाइप का है, राजनैतिक? हाँ, क्या मामला है? राजनैतिक है, उसके मामा जी जनपद उपाध्यक्ष हैं मनोज कुमार पटेल जी, आज अमरपाटन के, उन्हीं के माध्यम से मेरी गाड़ी नहीं मिल पा रही है। क्या उसी के दबाव में पुलिस भी पैसा जी, ले रही जो नहीं जी, गाड़ी? बिल्कुल, मनोज पटेल के दबाव से पैसा खा रही है पुलिस, हमको दबाया जा रहा है। आज साल भर से मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। कैसे मालूम कि आपकी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, क्या क्या प्रूफ है उसका? प्रूफ है 3 तारीख का कैमरा निकलवा लें थाने का, तो खुद लेके आया है सामने, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन मेरी गाड़ी लेके आया है। पुलिस भी गाड़ी देखी है आपने, वीडियो जो दिया? बिल्कुल, थाने के सामने 3 तारीख को गाड़ी आई है, 3 तारीख थाना का कैमरा चेक किया जाए तो ऑटोमेटिक सब पता चल जाएगा। जो थाना प्रभारी है वो देखे भी है गाड़ी खड़ी है? बिल्कुल, मैं खुद फ़ोटो खींचा हूँ सब, गाड़ी खड़ी की थाना के सामने की पूरी, मेरे पास फ़ोटो है, वीडियो है। अब इसके बाद भी कहाँ गाड़ी चली गई मेरे को पता नहीं। कौन है थाना प्रभारी?
संदीप भारती। किस तरह से बात शुरू हुई थी पैसे को लेके कि पैसा दे दो हम गाड़ी छोड़ देंगे, पूरी घटना क्या? पैसे की ये बात चल रही थी कि 50,000 रुपये दिला दो तो मैं तुमको गाड़ी दिला दूंगा। गाड़ी की जानकारी, एक साल से मैं भटक रहा था तो 50,000 की मांग कर रहे थे कि गाड़ी मैं दिला दूंगा, हो गया। मेरे को शिकायत भी की थी 181 में कि और जगह शिकायत की, फिर तब उसने क्या किया? साल भर से 181 में कंप्लेंट किया और मेरे को दो बार थाना पे बुला के ज़बरदस्ती मेरी सीएम हेल्पलाइन बंद किए, और मेरे पास फ़ोटो कापी है जो बंद कर दिए हैं उसकी फ़ोटो कापी मैंने रखा था, पर अभी भी चल रही है सीएम हेल्पलाइन। अभी आपने भी शिकायत की 50,000 रुपये थाना प्रभारी मांग रहे हैं? हाँ, शिकायत की, उसकी भी शिकायत मैंने सीएम हेल्पलाइन में किया है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी मेरे को मिले और इनके ऊपर ज़्यादा से बड़ी कार्रवाई हो। हमारे पाटन में ऐसा ही चल रहा है, चोरों की चोरी हो जाती है लेकिन थाना प्रभारी रिपोर्ट नहीं लिखते, ऐसा मामला हमारे पाटन में चल रहा है। थाना प्रभारी कुछ पैसे, वीडियो जो आपने दिखाया है उसमें बात कर रहे हैं कि अपनी पत्नी से पैसा आपके खाते में है, पत्नी खाते में, वो क्या मामला है? खाता पत्नी वाला, खाता पत्नी वाला ये है कि ये नगद पैसा मांग रहे थे 50,000, तो मेरे पास 50,000 नगद लेके नहीं गया था, मैं बोला अकाउंट पे है, अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो नगद नहीं था तो नहीं लिए पैसा, फिर इसके बाद मेरे को धक्का मुक्की करके बाहर कर दिया। कह रहे हैं कि आप हमारी गाड़ी ले जाओ गारंटी में, मतलब वो क्या है? वो गारंटी में कि 50,000 हमको दे दो, गाड़ी में मंगाए दे रहा हूँ 50,000, तो उसके बदले में अगर गारंटी विश्वास नहीं तुम्हारी बुलेट आई तो मेरी गाड़ी ले, हाँ मेरी गाड़ी ले जाओ। तो मैं बोला आपकी गाड़ी लेके मैं क्यों, मैं अपने में खुद परेशान हूँ और दूसरी चोरी में फंस जाऊँ, आप खुद मेरे ऊपर मुकदमा कर दोगे। उनको पता चल गया था क्या कि रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा कुछ धक्का मुक्की कर रहे हैं आपसे? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग का नहीं पता चला था, मैं अपने से सांस बांध के किसी भी तरह रिकॉर्ड कर पाया। थोड़ा धक्का मुक्की इसलिए कि उनको पता चल गया कि रिकॉर्ड कर लिए, फ़ोटो खींच लिए, इस वजह से पैसा नहीं दिया, इस वजह से उसने मेरे को धक्का मुक्की किए। सुना आपने, यह जो गिड़गिड़ा रहा है यह कोई चोर नहीं बल्कि उक्त बुलेट का मालिक है जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है, जिसकी गाड़ी चोरी हुई और एक साल बाद गाड़ी मिली तो पुलिस ने 50,000 की मांग कर डाली और जब वह पैसा नहीं दे पाया तो जब्त की गई गाड़ी थाने से लापता हो गई, जिसके लिए वह अधिकारियों के चौखट पर भटक रहा है। जब इस तरह के वीडियो और कार प्रणाली पुलिस की सामने आती है तब लोग कहने को मजबूर हो जाते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो किस पर विश्वास करें। वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि पूरे मामले की जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करें। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विराट 24 न्यूज़ के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।